हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो हैं कुछ अलग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का मैंने इसको मल्टी मल्टी कंटेंट कर लिया है। सो मैंने सोचा चलो आपके लिए कुछ ऐसा व्लॉग करते हैं जो लाइक यू नो डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंट से मुराद के कुकिंग व्लॉग। तो हाँ, मैंने खुद पिज़्ज़ा बनाया था तो मैंने उसका ब्लॉग शेयर किया आपसे। दूसरी चीज़ ये यार, मेरे चैनल की सपोर्ट करो गाइस, बहुत सपोर्ट चाहिए। मेरा वॉच टाइम पूरा होने वाला है। जैसे वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद से फिर मैं दूसरी सिटीज़ में जाना शुरू हो जाऊँगा। वैसे भी विंटर्स आ गए हैं और काफ़ी सिटीज़ में स्नोफॉल होने लगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाके ब्लॉग्स बनाऊँ, उन सिटीज़ का दिखाऊँ आपको, स्नोफॉल का और दूसरी यानी दूसरी हाइकिंग, दूसरी चीज़ों का, तो गाइस डू फॉलो माई चैनल। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो वॉच कीजिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए। ओके, और मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे मैं क्या इम्प्रूव करूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले गेमर था, लाइक गेमिंग कर रहा था, लेकिन मेरा पबजी में इतना दिल लग नहीं रहा था। बिकॉज लाइक यार, पबजी इज नाइस गेम, ओके, अच्छी है, बट उसमें ग्लिचेस और उसमें हैकर इतने आगे थे कि यार लाइक मेरा दिल लुट गया था उसमें। और वैसे भी है, पबजी का फ्यूचर नहीं है इतना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं व्लॉग्स किया जाए, व्लॉग्स से आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और ऐसा ऐसा मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। बिकॉज लाइक आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, सो बेटर ये है कि यू नो लाइक आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ सीखूँगा। सो अभी मैं इस चैनल का नाम भी चेंज कर दूँगा बहुत जल्दी, लेकिन आप मुझे नाम सजेस्ट करें कौन सा नाम बेटर रहेगा। लाइक नाम चेंज करूँगा चैनल का, उस नाम से फिर मैं इसका कोई एक इंट्रो वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले जस्ट नॉर्मल जैसे चल रहे वैसे। सो बेसिकली एज यू गाइस ऑल नो, लाइक आई एम लिविंग इन स्पेन राइट नाउ। सो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं कसम से। लाइक अभी क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, इनकी क्रिसमस देखने वाले हैं, न्यू ईयर देखने वाला है, लाइक बहुत सी ऐसी जगह हैं जो जाएंगे। और दूसरी स्पेशल चीज़ें जो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बीच में जाओ, बीच में जाएंगे यार, नो प्रॉब्लम, बीच में भी जाएंगे, बीच का टाइम आने दो, इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन आई होप नेक्स्ट व्लॉग में बीच का करूँगा, लेकिन स्लोली आई नीड योर हेल्प, यू शुड नीड टू वॉच माई हॉल वीडियोज। ओके, एक एक बार जितने लोग मुझे देखते हैं यार। दूसरी चीज़, द बिगेस्ट मेन प्रॉब्लम जो मुझे है यार, तुम लोग भाई मेरी वीडियोस को वॉच करते हो ना, लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं किया उन्होंने मुझे। अबे भाई, 4-4 हज़ार व्यूज़ दे देते हो, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो। दूसरी चीज़ ये है यार, चलो देखते हैं। बाकी अभी का लेक्चर काफ़ी है, तो आप जाके मेरा ब्लॉग देखो, व्लॉग नहीं लाइक कुकिंग व्लॉग, इस का ना लाइक डैड जाके व्लॉग देखो, एंजॉय करो और फिर मुझे बताना कैसा लगा। बाकी मिलते हैं फिर। आज बनाते हैं पिज्जा, सो देखते हैं कैसा बनता है। आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लग रहा हूँ पिज्ज़ा। ये है पावो, पावो यानी कि इन स्पेनिश में इसको पावो कहते हैं, लेकिन हाँ इसको टर्की, ये टर्की है, टर्की मीट है, ठीक है। ये टर्की मीट को हम पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद पिज्ज़ा बनाएंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी ले सकते हैं, थोड़ी सी शुगर डाल दें जिससे ये जो है ना अच्छा बनेगा। शुगर से नीचे लगेगा ना दादा से।
अच्छा टेस्ट टेस्ट आया ना, तो तुमने हम दिए नहीं यार। सो हमारा ये हो चुका है रेडी, अब इसको कर लेते हैं सर्व। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ओके आई होप कि वीडियो बन रही है। हाँ ठीक है, पिज्जा की करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग अनबॉक्स करते हैं, फिर इसको निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा ये लगा हुआ टमाटो का लेते हैं ना, तो टमाटो का ये चीज़ है कि अब जो टमाटो लगा हुआ है, अब हमें टमाटो लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ अपना जो भी सामान डालेंगे, ठीक है, और चीज़ के साथ इसको करके रख देंगे अंदर। बस ओवन हो चुका है बहुत गर्म, तो हम इसको कर लेते हैं। ओवन थी रीहीट तो हो चुका है कब का।
अब ये हमारा पिज्जा यहाँ से तो हो गया। मुझे हाथ साफ कर लूँ, इतना टेस्टी है यार, फुल फुल मज़ेदार बना है। रोस्टेड रोस्टेड नहीं, मैं लाइक कोरमा टाइप। ये लिया है हमने काट, ठीक है, ये कट गया मज़रीला चीज़। और अब हम इसको डालेंगे इसके ऊपर। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये बनी घराना पदानो, घराना पदानो, ठीक है। पिज्जा भी रेडी है, अब बस इसको जाके डाल देंगे, एक बार कंफर्म कर लें सब कुछ रेडी, ठीक है। अब इस पिज्जे को डाल देंगे यहाँ पे, जहाँ पे इसको डाल होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर लो। ओके, ये पिज्जा ओवन में डाल देते हैं और छोड़ देते हैं 200 डिग्री पे। बोले क्या, मैंने ये ब्लॉग बनाना नहीं था, पर मैंने कहा चलो शेयर ही करते हैं आपके साथ कि हम लोग क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, टोटल जो भी है। सो मेरी रूटीन तो यही है। तो मैं भी उठा था, ठीक है, हमारे यहाँ सुबह हो रही है और मैंने कहा चलो नाश्ता कर लें, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो मैंने पिज़्ज़ा बना लिया, दैट्स इट। सो गाइस, पिज़्ज़ा हो चुका है हमारा रेडी। ओके, और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, पीस करेंगे और खा जाएंगे, पूरा पूरा खा जाएंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा क्रंची है, कुछ क्रंची है, कुछ ठीक है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिज़्ज़ा हमारा ये है और हम आ चुके हैं अपने रूम में, बिकॉज़ मैं अपने रूम में कंफर्टेबल रहता हूँ। सो द थिंग इज़ दैट अब हम इसको खाएंगे। आप देख सकते हैं पिज़्ज़े को अगर मैं उतारता हूँ, ये देखो ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। इतनी सी बात थी, पिज़्ज़ा भी रेडी, हम भी खुश। प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।